देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी ज्ञान तुरंत प्राप्त नहीं होता, और सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता भी तुरंत प्राप्त नहीं होती, उसे तलाश करिए। जैसे किसी विद्वान आदमी से अगर आप ज्ञान की शिक्षा लेने जाएं, तो ये नहीं कि वो विद्वान महानुभाव आपको तुरंत ज्ञान दे देंगे, नहीं, आपको समय देना पड़ेगा, और समय के साथ आपको विनय सीखना पड़ेगा। विनय जब करेंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा। इसी तरह जब प्रकृति को आप ढूंढेंगे तो आपको प्रकृति के दर्शन होंगे। देखिए कितने सुंदर सामने बेल पत्र, जिसे श्रीफल कहा गया है, और जो पोषक तत्वों से भरपूर है, जिसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन चलिए फल आप देखिए, बहुत छोटा सा पेड़ है, और उसी पेड़ में देखिए कितने हष्ट पुष्ट सुंदर फल लगे हुए हैं। और चलिए आगे, और भी मैं अभी आपको यहाँ पर और भी दिव्य चीज़ों के दर्शन करा रहा हूँ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बेचारी डूबन दरी रही किनारे बैठ। तो जो भ्रमण करता है, घूमता है जगह जगह, अथार तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। सरदार पूरेंद्र जी। और ये देखिए, आपको गिरी नस्ल की गायों का दर्शन करा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी गायों का रख रखाव, और कितनी अच्छी व्यवस्था, और कितनी स्वस्थ गायें आपको बहुत कम देखने को मिली होंगी। और आज तो पावन दिवस है, क्योंकि आज माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा आज अपने निर्णय में ये घोषित भी किया गया है कि बिगर किसी भेद व बिगर किसी विवाद, बिगर किसी पक्षपात के गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने आज मुख्य समाचार यही है समाचार पत्रों में। कल माननीय अदालत ने, न्यायालय ने निर्णय दिया है। और देखिए आज ये संयोग है कि इतनी सुंदर गायों का रखरखाव मैं पहली बार देख रहा हूँ, और सब एक ही नस्ल की अच्छी गायें। देखिए आप लोगों का भी मन खुश हो जाएगा गायों को देख के। गाय वास्तव में माँ तो के रूप में संबोधन किया ही गया है। गाय का इतिहास के दो प्रसंग में आज आपको शेयर कर रहा हूँ, दो प्रसंग जिनसे आपको गायों का महत्व अच्छी तरह समझ में आएगा। एक तो भगवान कृष्ण के पास आपने जन्म से और उनके अंत तक गायों का और उनका बड़ा बहुत ही महान संबंध रहा है, और जो प्रसंग है वो बताता हूँ। राम जी की के पूर्वजों में राजा दिलीप हुआ करते थे, तो दिलीप जी के पुत्र नहीं थे, तो पुत्र के प्राप्ति हेतु उन्होंने तप किया। तो ये हुआ कि आप जंगल जाइए और गाय की सेवा करिए, तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, गायों की सेवा करिए। तो राजा दिलीप अपना राजपाट त्याग करके और गायों की सेवा करने के लिए जंगल चले गए, और एक गाय, उसका नाम तो अब ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि जो वशिष्ठ जी की गाय थी वो तो नंदी गाय थी, और राजा दिलीप जी की गाय का नाम याद नहीं आ रहा है। खैर, तो फिर ये हुआ कि जो पावरफुल शक्तियाँ होती हैं वो परीक्षा लेती हैं तप बल की। तो एक दिन तप बल की उनकी कि वास्तव में गायों की सेवा सिर्फ पुत्र के लिए कर रहे हैं कि वास्तव में समर्पित होकर कर रहे हैं, इस भाव से उनकी परीक्षा का एक दिन समय आ गया। और जो पावर है, या जो माना जाता है कि ईश्वर जो है विभिन्न रूपों को रख के, या ईश्वर के गण विभिन्न रूपों को रख के परीक्षा लेने के लिए आते हैं समय समय पर, जैसे ध्रुव की, प्रहलाद की, सबकी परीक्षा हुई है जो भी भक्त हुए हैं, उसी तरह राजा दिलीप की परीक्षा के लिए
जंगल में वो जब गाय चरा रहे थे तो वहीं एक शेर आ गया और उस शेर ने उस गाय के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो राजा दिलीप भाई एक बार पहले डर, मतलब प्रत्येक आदमी डरेगा, मानवीय स्वभाव है कि शेर को देख के डरेगा, लेकिन फिर उनको इस बात का आभास हुआ कि नहीं, गाय तो पूजनीय है और इनको चाहे हम मर जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन इनकी रक्षा हम करेंगे जिससे जो हमारी संतति हो या दुनिया की जो संतति हो उसके लिए माँ तो उपलब्ध रहे दुनिया में। और वो शेर से लड़ने पे आमादा हो गए। तो शेर ने कहा कि नहीं, हम गाय को ही खाएंगे और हमको भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप गाय को छोड़ दीजिए, आप मुझे खा लीजिए, मैं आपको अवसा शरीर आपको अपना दे रहा हूँ, आप मुझे खा के अपनी भूख मिटा लीजिए। और उस तरह से गाय की रक्षा के लिए राजा दिलीप ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो तो परीक्षा थी, तो जैसे ही वो शेर के सामने पहुँचे, अपना नमस्तक सिर झुका के कि आप मुझे खाइए, तभी वहाँ आराध्य शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि राजा, हम आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप धर्म पर कितना खरे उतर रहे हैं, कि आप एक जीव की रक्षा करेंगे कि अपनी रक्षा करेंगे, और आप परीक्षा में सफल हुए और आपको आगे संतति और पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा आशीर्वाद दिया उन्होंने। और कि जो जिसमें परोपकारिता है वो हमेशा प्रभु के और ईश्वर के नज़दीक रहेगा और जीवन में सफल रहेगा। अब दूसरा उदाहरण देते हैं महर्षि वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का। महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की के गाय के ऊपर ही पूरे जीवन लड़ाई चली और राजर्षि और ब्रह्मर्षि के ऊपर चली, और उसमें गाय ही सबसे बड़ी मुख्य बिंदु थी क्योंकि गाय पर विश्वामित्र जी की आसक्ति हो गई थी। विश्वामित्र जी यद्यपि क्षत्रिय थे और राजा थे, लेकिन वो तप बल करने लगे थे और तप के द्वारा वो ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। तो भाई ब्रह्मर्षि बनने के लिए आपको एक विशेष परीक्षा, एक विशेष डिग्री आपको देना होगी। जरूरी थोड़ी कि परीक्षा सामने ही हो, कई परीक्षाएं ऐसी होती रहती हैं कि जो मानसिक होती हैं और मनोविकार से होती हैं। तो विश्वामित्र जी की लगातार परीक्षा चलती रही और उन्होंने गाय का मोह नहीं छोड़ा, और अंत में उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी के सारे पुत्रों का वध कर दिया उसी गाय की प्राप्ति के लिए, और महासंग्राम किया। महासंग्राम गाय के पीछे ही चलता रहा, और वशिष्ठ जी ने गाय की रक्षा के लिए सब अपने पुत्रों को अपने सामने मरते हुए देखा, लेकिन उन्होंने गाय विश्वामित्र जी को नहीं दी। और गाय की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व तप बल भी निछावर कर दिया। तो इस तरह गाय के उदाहरण समय समय पे हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में और हमारे भारतीय समाज में आदिकाल से व्याप्त रहे हैं कि गाय की रक्षा के लिए चाहे सर्वस्व निछावर हो जाए, लेकिन गाय की रक्षा तो करना ही है। इसलिए नहीं कि हमको अपने व्यक्तिगत उसके लिए, आगे संतत के लिए करना है, क्योंकि गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, और जहाँ माँ का दर्जा दिया गया है वहाँ वो सर्वोत्कृष्ट, कोई भी वो सर्वोत्कृष्ट है। तो चलिए साहब, गायों का आनंद लीजिए, देखिए कितनी सुंदर नस्ल की गाय और कितना अच्छा रख रखाव है, और इससे सबको प्रेरणा लेना चाहिए। जो भी गौशाला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार ने इस समय जगह जगह खोली हैं सरकारी, उस पर उनको भी गायों की इसी तरह से सेवा करना चाहिए। और यद्यपि कहीं कहीं शिकायत समाचार पत्रों में और उसमें मिलती हैं कि गायों का उचित रख रखाव नहीं है, तो कष्ट होता है सुन के। और क्योंकि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जब इतना ध्यान दे रहे हैं तो जगह जगह इससे प्रेरणा लेके और आदमियों को गाय माता की इसी तरह सेवा करना चाहिए। इसमें किसी तरह का विभेद या किसी तरह का वो नहीं करना चाहिए। ये पूरे विश्व के लिए एक संदेश है, सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से जीव रक्षा और प्रकृति रक्षा और पर्यावरण की रक्षा सभी लोग करते चलें। धन्यवाद।